हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ एस्पिरेंट्स जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स के जीएस पेपर वन के अंदर बहुत बढ़िया स्कोर करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बट जीएस पेपर टू दैट इज सी सेट उसके अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाते। फिर ऐसे एस्पिरेंट्स को निराशा ही हाथ लगती है कि हमारा एक साल खराब हो गया। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में एनालिसिस करने वाली हूँ कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के प्रीलिम्स के अंदर कुछ स्टूडेंट्स की मार्कशीट आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि 2020 की मार्कशीट आई, 2021 की मार्कशीट सभी आई नहीं है, तो 2020 की कुछ स्टूडेंट्स की मार्कशीट मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। तो देखिए, अब यहाँ पे उससे पहले एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर दो एग्जाम होते हैं, सभी को पता, पेपर वन एंड पेपर टू। जीएस पेपर वन, जीएस पेपर वन जो कि 200 मार्क्स का है, ठीक है, और जीएस पेपर टू दैट इज अगेन ऑफ 200 मार्क्स। अब जीएस पेपर वन के अंदर, जीएस पेपर वन के अंदर आप जितना भी स्कोर करते हो तो उससे आपके पेपर के पेपर क्वालिफाई होने के लिए क्या है, आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। तो इसके बेस पे आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। तो 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 के अंदर कट ऑफ कितनी गई थी, 92 मार्क्स की कट ऑफ गई थी जीएस पेपर वन के अंदर। और जीएस पेपर टू जिसके अंदर कोई कट ऑफ का क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ क्या है, आपको 33% स्कोर करना होता है। दैट मींस कि 200 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स लेने, 66.67% मार्क्स। हाँ जी, 66.67 मार्क्स आपको लेने हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। अब देखिए यहां पे हम देखते हैं, देखो एक मार्कशीट अभी मेरे पास में, देखिए रोल नंबर नेम हमने यहां से रब कर दिया बिकॉज वो अभी हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे एक स्टूडेंट है जिसके पेपर वन के अंदर 129 मार्क्स आए, 129 मार्क्स आए हैं, बट पेपर टू के अंदर इसके 58.33 मार्क्स हैं। हाँ जी, पेपर वन के अंदर कितने, 129, काफी अच्छा स्कोर किया है इसने, इसका मतलब बच्चा जीनियस है, 129 मार्क्स लेके आया, ठीक है, कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर आ गया इसके, बट सी सेट के अंदर इसके 58.33 मार्क्स है। दैट मींस कि स्टूडेंट कहां पे रह गया, सेकेंड पेपर की वजह से यहाँ पे वो मेन्स को नहीं दे पाया है और उसका ये साल पूरे का पूरा खराब हो गया। अभी और देखते हैं कुछ मार्कशीट्स। हाँ जी, अब ये देखिए, यहाँ पे देखो इस स्टूडेंट के पेपर वन के अंदर आए 92.51 मार्क्स आए हैं। अब 92.51 है, दैट मींस व्हाट, कि हाँ जी क्वालिफाई कर गया ये, क्यों, क्योंकि कट ऑफ इसकी क्लियर हो गई, 92 की कट ऑफ थी, दैट मींस कि पेपर वन के अंदर तो इसकी कट ऑफ क्लियर हो गई है, ठीक है। बट यहां पे पेपर टू देखिए, आप पेपर टू के अंदर इसके 65.83 है, लेने कितने थे, अब यहां पे देखो 66.67 मार्क्स लेने थे इसको, आए कितने हैं, 65.83। पॉइंट्स में रह गया बच्चा, पॉइंट्स में रह गया। अब दोनों के अंदर ही बिल्कुल बाउंड्री पे है ये जो स्टूडेंट है, दोनों के अंदर ही बाउंड्री, दोनों पेपर के अंदर ही, पेपर वन के अंदर भी बाउंड्री पे ही है। तो हमने ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हाँ जी पेपर टू के ऊपर ही ज्यादा फोकस करना, पेपर वन पे भी फोकस करना है, तो बाउंड्री पे तो किसी पे भी नहीं रहना, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो, यहां पे पॉइंट्स में रह गया, अब इसके मन में क्या आया होगा, जब इसका रिजल्ट आया होगा, जब इसको मार्कशीट मिली होगी, तो इसको कितना दुख हुआ होगा कि हाँ जी अगर मैं एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर देता, या ठीक है, तो मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाता, या फिर एक मेरा सही क्वेश्चन हो जाता, जहां पे रॉन्ग मार्किंग के अंदर आपको पता है कि अगर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है देन नेगेटिव मार्किंग है, तो कह रहा है कि अगर मैं एक पेपर, एक क्वेश्चन मेरा सही हो जाता, करेक्ट हो जाता, तो मैं क्वालिफाई कर जाता और मैं मेंस दे पाता, और उसके बाद में क्या पता आज मैं किसी न किसी बढ़िया पोस्ट के ऊपर बैठा होता। तो अब यहां पे देखिए एक और स्टूडेंट की मार्कशीट देखते हैं। हाँ जी, एक और स्टूडेंट है, ये देखिए इसका, देखो अब इसने पेपर वन के अंदर कितने मार्क्स आए, 135.71 मींस ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ठीक है। हाँ जी, पेपर वन क्वालिफाई, कट ऑफ से काफी अच्छे नंबर आए हुए हैं, बट पेपर टू के अंदर कितना है, 62.68
अगर 66.68 हो जाता तो क्वालिफाई था, दैट मींस कि 4 मार्क्स से रह गए ओनली, डन। अब देखिए यहाँ पे और देखते हैं, यहाँ पे अपने पास में एक और स्टूडेंट है, इसकी मार्कशीट देखिए, इसके अंदर देखो आप, इसके आए मार्क्स आए पेपर वन के अंदर 115.65 मार्क्स आए, कितने मार्क्स हैं 115.65 मार्क्स हैं, दैट मींस कि पेपर वन क्वालिफाई है, बट पेपर टू के अंदर कितना है 65.83। अब यहां पे देखिए 0.9 मार्क्स से रह गया बच्चा, किससे रह गया 0.9 मार्क्स से रह गया। अब ये जो स्थिति है, ये स्थिति नहीं बननी चाहिए, इस बात का ध्यान रखो कि जब हम प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रीलिम्स इज द फर्स्ट स्टेज, और ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए ही मैं आप लोगों के सामने कुछ मार्कशीट्स लेके आई हूं, क्योंकि मेनली होता क्या है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, उनका जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो उनके साथ में ऐसी स्थिति बन जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ जी जो सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके साथ भी ऐसा हो जाता है, तो हमने ध्यान रखना है कि किसी भी हाल में हमारी ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए अगर हम यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं। ओके अब देखो ये स्टूडेंट देखिए आप, हाँ जी इसने तो बिल्कुल ही तैयारी नहीं करी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इसने तो बिल्कुल ही इग्नोर किया है सी सेट पेपर को। यहाँ पे देखो जीएस के अंदर इतना अच्छा स्कोर है 104.08, ओके, बट सी सेट पेपर टू के अंदर कितना है 48.33। दैट मींस कि स्टूडेंट ये सोच के एग्जाम के अंदर गया है कि हाँ जी ये तो मेरा हो जाएगा सी सेट, तो अब यहाँ पे देखो कितने बुरे तरीके से वो सी सेट के अंदर फेल हुआ है बच्चा। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं सी सेट को, तो पहले देखते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं और कैसे हम सी सेट के पेपर के लिए प्रिपेयर करें। तो अब पहले सबसे पहला जो कारण है अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस मींस कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि हमें सिर्फ 33% स्कोर करना है, हमें 33% स्कोर करना है और 33% हम इजीली स्कोर कर लेंगे, बिकॉज हमारे पास एग्जाम में क्या आएगा, हाँ जी एग्जाम में हमें दिख रहा है कि हाँ जी क्या आ रहा है, मैथ्स आ रहा है, ठीक है, हाँ जी मैथ्स है हमारे पास में एग्जाम के अंदर, इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है, ओके, हाँ जी दिस इज मैथ्स। अब हमें क्या लगता है कि हाँ जी इतना मैथ्स हमें आता है, माइंड में जो एक परसेप्शन बना हुआ है कि टेंथ क्लास के लेवल का मैथ आता है और टेंथ क्लास तक तो हमने सभी ने मैथ पढ़ा है और हम कर लेंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई। तो बट जब आप एग्जाम में जाते हो तो आपने देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है तो आप देख सकते हो कि ईयर बाय ईयर जो लेवल है एग्जाम का दैट बिकम्स हार्डर एंड हार्डर। ओके, जो लेवल है क्वेश्चंस का वो बढ़ रहा है और साथ में क्वेश्चंस का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, और जो टॉपिक्स है किन टॉपिक्स में से पहले क्वेश्चन दूसरे टॉपिक्स में से आते होते, आजकल कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी चेंज हो गया। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, कहीं ना कहीं जब आप एग्जाम में जाते हो तो कहीं ना कहीं यही पॉइंट रह जाता है कि हाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली होती, अगर हम कर लेते तो हमारा हो जाता, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान रखना है कि ये पॉइंट बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए कि 33% ही लेना है, हमें इसकी ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है, हमें सी सेट के पेपर को छोड़ के जीएस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, इस पॉइंट को सबसे पहले माइंड से निकालना है। ओके, जो सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आई मीन टू से कि अब कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है और उसने क्या किया है कि फर्स्ट टाइम जब उसने पेपर दिया था तो उस केस के अंदर उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, कहीं ना कहीं मेंस में वो रह गया, ऐसे काफी स्टूडेंट्स होंगे, काफी हैं। तो उसमें ध्यान रखिए कि उनके माइंड में होता है कि सी सेट तो हो जाएगा, प्रीलिम्स तो मेरा इजीली क्रैक हो जाएगा, और वो प्रैक्टिस नहीं करते और उनको लगता है कि लास्ट के कुछ डेज के अंदर या लास्ट के 7 डेज हम लगा लेंगे या 10 डेज के अंदर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे पास में सी सेट के अंदर 33% इजीली हम स्कोर कर पाएंगे। बट ध्यान रखिए कि लास्ट के कुछ डेज के अंदर प्रैक्टिस नहीं हो पाती है,
प्रैक्टिस नहीं हो पाती है बिकॉज अपना क्वेश्चंस को सोल्व करने का रिदम ही नहीं बन पाता। अगर आप अभी से प्रैक्टिस शुरू करते हो तो उस केस में क्या है कि आपकी मतलब जो पेपर के अंदर क्वेश्चन सोल्व करते हो तो वो रिदम बन जाता है कि एक के बाद दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर रहे, फिर तीसरा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, तो वो जरूरी है। तो ध्यान रखना कि प्रैक्टिस आपको शुरू कर देनी अभी से, अभी से सभी ने प्रैक्टिस शुरू कर देना। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो उस केस के अंदर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका सी सेट का पेपर रह जाए। तो अब दूसरा जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज रोंग पेपर अटेम्प्टिंग मेथड। अब रोंग पेपर अटेम्प्टिंग मेथड मैं क्यों बोल रही हूँ? अब कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ जी न्यूज़पेपर तो हम डेली रीड कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा इतने टाइम तक हम इंग्लिश पढ़ रहे थे, इंग्लिश वाला सेक्शन जो है उससे हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि इंग्लिश के जो क्वेश्चन है इतने कंफ्यूजिंग आ रहे हैं आजकल कि ऑप्शंस के अंदर, दो ऑप्शन के अंदर ही इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी है कि हमें लगता है कि ये वाला ऑप्शन आंसर होगा, बट यूपीएससी के आंसर की के अंदर आप देखते हो कि आंसर दूसरा आ गया, क्योंकि सिमिलर बहुत है। तो इसलिए ध्यान रखना कि इंग्लिश के अंदर जहां पे आपको कॉन्फिडेंस हो पूरा कि हाँ जी इसका आंसर यही बनेगा, वहीं पे आंसर करना है। रोंग मार्किंग के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग के अंदर नंबर कटवाने नहीं है, ठीक है। अब जो दूसरा जो पॉइंट है कि अगर हो सके तो आपको मैथ से शुरू करो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है अगर आप वहां से लेते हो तो उसके अंदर फिर भी आपके माइंड में ये होता है कि हाँ जी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ गया, उसके बाद चार ऑप्शन है, अगर आप उस क्वेश्चन को सोल्व करते हो और आपके ऑप्शन के अंदर से आंसर आपका निकल के आ रहा है तो उस केस में हमारे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ जी ये मेरा पेपर का ये आंसर आया था क्वेश्चन में तो ये हमारा सही होगा। ओके, क्लियर। अब यहां पे नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास में, ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कितने क्वेश्चंस हमें करने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 66.67 मार्क्स लेने हैं तो हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, बिकॉज कुछ मार्क्स हमारे नेगेटिव मार्किंग में भी चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि आप जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 40 to 50 क्वेश्चंस तो आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी ही करनी है। 40 to 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है और स्टार्ट विद क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग। और एक बात और, जब आप पेपर सोल्व करते हो तो उस टाइम पे ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका बीच में रह गया, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, ठीक है जी सोल्व करे जा रहे हैं, हम सारे सोल्व करे जा रहे हैं, बट हमारा आंसर नहीं आ रहा, फिर हमें लगता है कि नहीं नहीं इस तरह के तो मैंने काफी सारे क्वेश्चन कर रखे हैं और ये क्वेश्चन तो मेरा हो ही जाएगा और हम उसके ऊपर ज्यादा टाइम लगा रहे, तो ऐसा नहीं करना। जो क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा उसको वहीं पे छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाइए। और एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर हम क्वांट वाला सेक्शन अगर हम शुरू में करें तो पहले सारे क्वांट वाले क्वेश्चन कर लीजिए, क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड हमारे क्वांट के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बन रही है। सेम वे लॉजिकल रीजनिंग के अगर आप सोल्व करें तो लॉजिकल रीजनिंग के ही पहले करिए। ओके, और एक बात, जब आप पेपर करते हो तो उस केस के अंदर ऐसा नहीं करना कि हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन आया, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने लगे, सेकंड क्वेश्चन सोल्व करने लगे, टाइम का ध्यान रखना है। एक बात ये है कि जब आप पेपर से बाहर आते हो फिर आपके पेपर को पूरा देखते थे, कहते हाँ लास्ट में तो बड़े इजी इजी क्वेश्चन आए हुए थे, ये क्वेश्चन तो मेरे को आते थे, ये तो मैंने पेपर में देखे ही नहीं। काफी स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो इस तरह से बोलते हो कि हाँ लास्ट में तो इतने इजी क्वेश्चंस थे और मैं शुरू के क्वेश्चनों के अंदर उलझ के रह गया और लास्ट के जो क्वेश्चंस है वो तो मैं देख ही नहीं पाया, वो अगर मैं अटेम्प्ट करता तो मेरा हो जाता। तो यहां हमेशा ध्यान रखो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्किम थ्रू द पेपर, कि पेपर के अंदर जो इजी क्वेश्चन है पहले उनको सोल्व करना है, फिर देखो कि हाँ जी जो टफ क्वेश्चन आ रहे बट अभी मेरा स्कोर नहीं बना है, 40 to 50 क्वेश्चंस मेरे नहीं हुए हैं, फिर उसके बाद में सेकंड राउंड के अंदर पेपर में देखो कि हाँ जी अब मैं कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं, कर सकते हूं। ओके, तो बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रही हूं कि सी सेट को इग्नोर नहीं करने हैं। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो अभी आप शुरू कर दीजिए, बिकॉज ऑलमोस्ट 3 months है, 5th को एग्जाम है, 5th जून को एग्जाम है, तो इसलिए अभी आपके पास ऑलमोस्ट 3 months है, तो अभी से आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए सी सेट के लिए। ओके, तो अब इसके लिए अभी पीडिया की तरफ से हम आप लोगों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं सी सेट का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, 7 days का फ्री ट्रायल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, तो सभी ने ज्वाइन करना है इस कोर्स को,
सभी ने इस कोर्स को ज्वाइन करना, इसको चेक करना है कि हाँ जी कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो इस कोर्स के अंदर हमने पहले कॉन्सेप्ट के अलग से वीडियोस हैं, इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस एमसीक्यूज अलग से प्रोवाइड किए हुए हैं। इसी कोर्स के अंदर प्रीवियस ईयर के भी 7 ईयर्स के पेपर्स डिस्कस किए हुए हैं। तो सेम कोर्स के अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इसके अलावा आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हुए हैं डिटेल के अंदर। तो सभी ने इस कोर्स को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ओके, हमारी वेबसाइट है दैट इज www.abhipedia.abhimanyu.com। विजिट ऑन दिस वेबसाइट, आप एक्सप्लोर करोगे, आपको और भी काफी मटेरियल आपके एग्जाम से रिलेटेड मिलेगा। यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके अंदर पेपर 1 पेपर 2 सभी के लिए मटेरियल है और राइट मटेरियल है, मींस कि जो आपको चाहिए। ऐसा है कि अगर आप देखते हो यूट्यूब पे भी आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ जी हम फ्री में प्रिपेयर करवा रहे हैं, आप लोगों को सी सेट का प्रिपेयर करवा रहे हैं। इवन जीएस पेपर जो है अपना मेंस है, मेंस की भी तैयारी काफी लोग फ्री में करवा रहे हैं कह रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में आना ही नहीं है उसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं। हमें पहले ध्यान रखना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या है। आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर, एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर करेक्ट मटेरियल मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अभी पीडिया की हमारी साइट पे विजिट करना है, इसको एक्सप्लोर करना है। Then, और सी सेट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसके अंदर आपके पूरे सिलेबस को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आपने इसको भी ज्वाइन करना है। सो अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको सभी ने ज्वाइन करना है। डेली क्विज आ रही है उसके अंदर आपकी, तो वहां पे उसके ऊपर भी जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी आपने सॉल्व करना। ऑल द क्वेश्चंस आर फॉर सी सेट। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।